केव में है। कुछ दिनों बाद पत्नी नकदी बाजे ब्रात लेकर रफु चक्कर हो गई, जिसके बाद पीड़ित पति ने थाने में न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन यहाँ पीड़ित की सुनवाई नहीं की जा रही है। पुलिस पीड़ित को धमकाने का काम कर रही है। पूरा मामला थाना बनाहाल क्षेत्र के कस्बा बनाहाल से जुड़ा हुआ है। यहाँ के रहने वाले पीड़ित जबर सिंह ने थाने पर प्रार्थना पत्र दिया है और बताया कि उसके भाई की शादी वर्ष 2019 में हुई थी, जिसके कुछ माह बाद ही उसकी पत्नी घर से सारा जेवर और नकदी सामान लेकर रफू चक्कर हो गई। तब से लेकर अब तक पीड़ित लगातार थाने के चक्कर लगा रहा है, लेकिन पीड़ित की सुनवाई नहीं की जा रही। पुलिस लगातार पीड़ित को धमकाने का काम कर रही है, जिसका एक ऑडियो भी पीड़ित द्वारा वायरल किया गया। इस ऑडियो में पुलिस पीड़ित को धमकाने का काम कर रही है, न्याय के लिए अधिकारियों से गुहार लगाई है। पुलिस यहाँ से आदेश कर दी, पुलिस वहाँ से लगा के भेज देती है। अभी तक मेरे घर पुलिस जांच करने के लिए नहीं आई है, और ये पुलिस पैसे ना देने के कारण आज मेरे भटकना पड़ रहा। 7,000 की पुलिस मांग रखी थी, ना देने के कारण आज मैं इधर उधर भटक रहा हूँ, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कम से कम एक साल से 20 प्रार्थना पत्र डाल चुके हैं, अधिकारी यहाँ से जानकारी भेज देते हैं। पुलिस अधीक्षक मैनपुरी, DM, जिलाधिकारी महोदय मैनपुरी के यहाँ से आदेश भेज देते हैं, वहाँ की पुलिस कुछ नहीं करती है। वो कहती है चाहे कहीं चले जा, मेरे से कोई मतलब नहीं है, हम अपना काम करेंगे। कौन थाने का मामला है, किस थाना से? थाना बनाहाल। किसने पैसे मांगे थे, कौन है वो? वहाँ के दरोगा जी हैं, उनका नाम नहीं मालूम है, जो कह रहे थे कि तू कहीं भी चला जा, कुछ नहीं होगा और तुझे ही उल्टा फांस दे, तेरे खिलाफ़ मुकदमा लिख देंगे। तो मैंने कहा साहब मेरा मुकदमा लिख दो, तो मेरा मुकदमा लिखने के लिए तैयार नहीं है। क्या मामला क्या है? मैंने अपने भाई की शादी की थी, जिसमें जो है वो लड़की 4-5 दिन रही, 8-10 दिन उस प्रधान के सामने और काफ़ी लोगों के सामने, गाँव वाले सामने आए, और वो पहला पुछला लड़की ले गए और अपने घर पे अपने लड़के के साथ शादी कर ली है। जब अपने भाई को साथ लेके लिवाने के लिए गए तो उन्होंने गाली गुलौज की और भगा दिया, और कह रहे हैं मेरे खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने की कोशिश की तो तेरे खिलाफ मुकदमा लिखा देंगे पुलिस के साथ मिल। तो इस पर पुलिस भी मुझ पर खिसा रही है और वो लोग।